ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की काव्य ख्याति में सुना जाता है सूर्य और चंद्रमा मुख्य ग्रह माने जाते हैं। सूर्य की बात नहीं है, चंद्रमा की बात आपके सामने कह रहा हूं। जो ही शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उदय होता है, प्रतिपदा जिसको बोलते हैं, कभी आप लोगों ने देखा है शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन का चंद्रमा? इतनी सभा में कोई चंद्रमा ही नहीं देखा। देखा शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन की बात कर रहा हूं मैं, पर नहीं रहता है, देखने को नहीं मिलता, दूज का चांद मिलता, दूज का द्वितीया से, वो भी सब लोगों को नहीं मिलता। और मुसलमानों में यहाँ यह रिवाज है, कम से कम दूज के दिन चंद्रमा कहीं भी मिल जाए और उनका वह त्योहार बन जाता है। अब बात यह है, शुक्ल पक्ष में एक 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 दिन में इस प्रकार बढ़ाते 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 पूर्णिमा के दिन जब वह उदय को प्राप्त होता है, समुद्र में एक प्रकार से लहर ऐसे उठ जाती है जैसे कोई भी बहुत आनंद का अनुभव हो गया हो। एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, 16वें दिन भी या 15वें पूर्णिमे का दिन ही क्यों है होता है? संसारी प्राणी अधूरा है, संसारी प्राणी अधूरा है, यह जब पूरा होता है तो यह आनंद की लहर उसके जीवन में घटित होगी, लेकिन केवल ताली बजाने से नहीं, उसके पीछे साधना है, तपस्या है, मेहनत है, पुरुषार्थ है। आप लोग इन सब में से कुछ न कुछ पुरुषार्थ, मेहनत आदि आदि करते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं करते। पूर्णता की बात है, उसके अभाव में आपको बार बार संसार में आना जाना पड़ रहा है, किंतु यह महसूस नहीं होता। एक गति से दूसरी गति में जाता है, सब नया ही श्री गणेश प्रारंभ हो गया ऐसा लगता है। प्रतिदिन वही कार्य करते रहते हैं लेकिन उससे ऊबते नहीं। हाँ, जब इसमें कमी वृद्धि होती जाती है तो ऊब करके हे भगवान अब अंत हो जाए तो अच्छा है, किसका अंत हो जाए, आत्मा के तो अंत हो जाता नहीं। नहीं नहीं, ये चीज नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? ऐसे अद्वितीय मिलना चाहिए, तो वह अवसान को प्राप्त होता है दूसरे गति में जाने के उपरांत।
पहली बार ही इस प्रकार का मिला है, ऐसा अनुभव होता है। किसी को 1 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख मिल जाए तो आनंद का कोई पार रहता नहीं। फिर कोई लख लखपति से करोड़पति बनने की ओर होता है, जब बनता है तो फिर वो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा है, पहले नहीं हुआ था। जब दोबारा और किसी एक व्यक्ति को देखता है, वह अरबपति है, कोई बात नहीं, मुझे भी अरब कंट्री जाना पड़े, मैं भी अरबपति बनूं। अरे मुसलमान के देश को जाने के लिए तो तैयार है, और भारत के योग्य कार्य करने के लिए बुद्धि नहीं आती है। वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं, और यहाँ के लोग वहाँ 7 समुंदर पार करने वाला बहुत महत्वशाली है, ऐसा कह करके, किंतु इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर यह पंक्तिबद्ध 16 स्वर्ग हैं। पीछे नीचे का स्वर्ग मिला, ऊपर का चाहता है। ये चाह के चक्कर में संसारी प्राणी अधूरा का ही अनुभव करता है। इस नगर का नाम वर्धा है। वर्धा का अर्थ घटना नहीं होता, क्या कहा, घटना नहीं होता, किंतु बढ़ने का नाम वर्धा है। तालियों की आवाज में तो वृद्धि हो गई, किंतु पूरे सुख के बारे में कोई सोच विचार नहीं करता। इसीलिए कम से कम वृद्धि की ओर आप देखो, वृद्धि के पीछे समृद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है, और सारे सारे होते हैं। इनमें वह समृद्धि हमें प्राप्त हो, बार बार वह बढ़े नहीं और उसके आगे और नहीं, नीचे भी नहीं आना हो, वह पूर्णिमा हमेशा हमेशा जीवन में घटित हो, इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत दिन के बाद, बहुत प्रयास करने के उपरांत हमें इस ओर आने का एक प्रकार से योग मिला है। मांग के अनुसार आज तो हमने सोचा है कि आज तो हम मध्याह्न में विहार नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, हाँ देखो आज तो चंद्रमा की बात तो हमने कह दी है। हो अहिंसा परमो धर्म की